द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। आज गोदी मीडिया खुशी से फूली नहीं समा रही है क्योंकि नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शाबाशी देने में लगा है गोदी मीडिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया कि सरकार का नोटबंदी का कदम एकदम ठीक था। लेकिन गोदी मीडिया आपसे एक बात छुपा रही है और साथ में बीजेपी के वो तमाम नेता जो छाती चौड़ी करके अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, पीठ तपतपा रहे हैं कि उन्होंने, उनकी सरकार ने एकदम सही कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट की महिला जज ने नोटबंदी के फैसले का विरोध किया है और उनका फैसला जो है वो इस पूरे के पूरे नोटबंदी के काम के खिलाफ आया है। 5 जजेस की बेंच में महिला जज ने अपना फैसला नोटबंदी के खिलाफ दिया है और साफ तौर के ऊपर कहा है, एनडीटीवी ने लिखा है, नोट्स बैन ऑर्डर अनलॉफुल, विटिएटेड डिसेंटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, नोटबंदी का जो आदेश था वो गैर कानूनी था। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जज ने ही कहा है। कौन जज है जानते हैं? उनका नाम है जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ जज हैं और 2027 के अंदर वो मुख्य न्यायाधीश भी भारत की हो सकती हैं, जिस तरह से कोलेजियम में लाइन ऑफ सक्सेशन दिखाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर के ऊपर नोटबंदी के फैसले को गैर कानूनी बताया है, जिसका सीधे तौर के ऊपर उन्होंने विरोध करके जो पेटिशनर्स हैं नोटबंदी के खिलाफ जो गए हैं उनसे सहमति अपनी दर्ज की है और उनके हित के अंदर फैसला सुनाया है। TV9 भारतवर्ष ने लिखा है, नोटबंदी से असहमत जस्टिस नागरत्ना कौन है? 2027 में बन सकती हैं देश की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, मुख्य न्यायाधीश। तो ये पूरे के पूरे मामले को लिखा है कि नोटबंदी के ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इस मामले में अलग अलग लगी 58 याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी के फैसले में कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती है और आर्थिक फैसलों को पलटा नहीं जा सकता है। 5 जजेस की इस बेंच ने फैसला सुनाया था, इनमें से 4 जजों ने नोटबंदी के पक्ष में फैसला दिया, मगर जो बेंच में शामिल न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना है उन्होंने नोटबंदी पर असहमति जताई। इसके बारे में कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है? इसको अपने डिबेट में क्यों नहीं ले रहा है गोदी मीडिया? ये बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कोई सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि उन्होंने जो आधार बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आधार को सुनिए और याद रखिए कि ये आधार कितना महत्वपूर्ण है नोटबंदी के संबंध में, जो जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले के अंदर दिया। बीवी नागरत्ना ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों की बेंच ने नोटबंदी पर यह फैसला सुनाया। इस बेंच की अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस ए नजीर कर रहे थे। बेंच में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, AS बोपन्ना, V रामा सुब्रमण्यम और BR गवई थे। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना का फैसला नोटबंदी के खिलाफ रहा। उनका तर्क, बहुत गौर से सुनिएगा, अभी उनका तर्क था कि नोटबंदी का प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था, RBI की राय मांगी गई थी। RBI अधिनियम की धारा 26(2) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक की राय को किसी भी तरह सिफारिश नहीं माना जा सकता। नागरत्ना का कहना था कि नोटबंदी अगर करनी ही थी तो इसका फैसला RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेना चाहिए था, ना कि केंद्र सरकार को। 2016 में ऐसा नहीं किया गया, इसलिए कानूनी तौर पर नोटबंदी को सही नहीं ठहराया जा सकता। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना जी ने ये साफ तौर पर अपने फैसले में सुनाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही अधिकृत है नोटबंदी को लेकर फैसला लेने के लिए, उसकी कमेटी ही इस फैसले को ले सकती है, ना के केंद्र सरकार। मतलब जो मोदी जी ने आके घोषणा करी वो गलत थी नोटबंदी को लेकर, अगर इस फैसले को आप और इंटरप्रेट करेंगे तो ये बहुत गंभीर विषय है। गोदी मीडिया आपसे बोल ही नहीं रहा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपना फैसला नोटबंदी के खिलाफ बताया और यहां तक कह दिया कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी है, लेकिन गोदी मीडिया लगा हुआ है पीठ तपतपाने में, किसकी? मोदी सरकार की। तो मेरे भाइयों, आप आगे बताओ लोगों को कि जो गोदी मीडिया कह रहा है वो पार्शली सही है। ये बात जरूर है कि मेजोरिटी ऑफ द जजेस की, जो बेंच में जजेस हैं उन्होंने फैसला दिया है तो वो फैसला फाइनल माना जाएगा, लेकिन और सारे रास्ते भी आगे बंद कर दिए हैं कोई भी लीगल एक्शन के, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो फैसला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो चीज अपने आधार बनाई है उसको आगे तक पहुंचाना चाहिए आपको लोगों तक कि क्या, क्यों गलत था नोटबंदी का फैसला और क्यों सुप्रीम कोर्ट की जज ने इसको गैर कानूनी बताया। और ये कोई मामूली जज नहीं है,
ये पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएंगी 2027 में। सबसे संभावना है, प्रबल संभावना इनकी है। ये हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस भी रही है जहां तक मेरा ध्यान है कर्नाटक की, और कर्नाटक के कोर्ट में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण फैसले भी लिए थे। तो इनके बारे में लिखा है भारतवर्ष ने 2027 में बन सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीबी रत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। सीनियोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो उन्हें 2027 में ये मौका मिल सकता है। इससे पहले सारी चीजें आगे लिखी हैं और इनके महत्वपूर्ण फैसले जो रहे कर्नाटक के सरकार के खिलाफ कोरोना के दौरान, टीवी 9 भारतवर्ष की खबर में है, कोरोना के दौरान बीवी नागरत्ना ने कर्नाटक सरकार के उस फैसले से सहमति जताई थी जिसमें पेंडेमिक वाले एरिया में मिड डे मील बंद करने का प्रस्ताव दिया गया था। कोर्ट ने शिक्षक और स्कूल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने का आदेश दिया था। कर्नाटक सरकार मिड डे मील बंद करने वाली थी, कितने बच्चे भूखे तड़प जाते। उस तरह उस वक्त जो कोविड का हवाला दे रही थी सरकार, उसको गलत बताते हुए जस्टिस बीबी नागरत्ना ने फैसला दिया था कि ये चलेगा, और ये फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो शिक्षक हैं वो भी, स्कूल के टीचर्स को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिलाने का काम भी जस्टिस नागरत्ना के कोर्ट ने ही किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा मामला। भले ही सरकार अपने आप को बचा ले, सरकार अपना पक्ष ऐसा रख के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भ्रमित कर दे, लेकिन फिर भी जस्टिस बीबी नागरत्ना का ये फैसला आपको हमेशा याद रहेगा, जिसमें उन्होंने एक बेसिक आधार, एक बेसिक पॉइंट उठा के अपनी असहमति दर्ज कराई नोटबंदी से, और नोटबंदी को उस आधार के ऊपर गलत भी ठहराया और यहां तक कह दिया कि वो गैर कानूनी था, अनलॉफुल था, और उन्होंने अपनी असहमति दर्ज कराते हुए एक इतिहास के अंदर एक बड़ा कदम उठाया। और इस देश के अंदर हम न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाते हैं, ना मैं उठा रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि 5 जजेस की बेंच में एक जज का फैसला, जस्टिस बीबी नागरत्ना का फैसला नोटबंदी के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी गोदी मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा। गोदी मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की पीठ थपथपानी है, अपनी पीठ थपथपानी है, और इस देश के अंदर एक परसेप्शन बनाना है कि जो मोदी सरकार फैसला लेती है देखिए वो सही है। इसमें कोर्ट से एक तरफ है, गोदी मीडिया का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। भाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिस जज ने असहमति जताई उनका फैसला भी रिकॉर्ड पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गोदी मीडिया सिर्फ एक ही तरफ की कहानी सुनाए तो फिर गलती किसकी है ये आपको समझ में आएगा। लिहाजा इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि जी नोटबंदी जिस तरह से पूरी तरह सही बताई रही है गोदी मीडिया, वो नहीं है। एक जज का फैसला नोटबंदी के खिलाफ भी आया है। सरकार की पूरी भूमिका जो है उसके ऊपर सवालिया निशान है कि सरकार इस स्थिति में होती भी है जो इतना बड़ा फैसला खुद ले सके, या ये अधिकार सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सजेस्ट नहीं कर सकता, एडवाइस नहीं कर सकता, बल्कि खुद ही फैसला देना उसको है, और सरकार इस पर फैसला नहीं ले सकता है। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप सॉन्ग उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।